व्हाट्स अप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पार्क एवेन्यू के एक डियो जिसका नाम है मिस्ट्री ट्रेल। इस डियो के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसके स्ट्रेंथ के बारे में, क्या इसके नोट्स है, क्या लॉन्जेविटी है और क्या इसकी प्राइस है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर, बस आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। एक नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काम अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रह गई थी, ताकि फ्यूचर में उस कमी को दोबारा दोहराया ना जाए। ठीक है, इसी जानकारी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर जरूर मेरे पेज को चेकआउट कीजिएगा। वहाँ मैं परफ्यूम और आने वाले वीडियोज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं अपनी बॉटल के बारे में, कैसे अपनी बॉटल है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने लेके आया हूँ बॉटल, वाइट रंग की काफ़ी शानदार मैट कलर की बॉटल है ये आप देख सकते हैं। इस बॉटल का मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। हेलो गाइस, अब मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ इस बॉटल का। आप देख सकते हैं एकदम वाइट मैट कलर की बॉटल है ये, काफ़ी शानदार। लाइट ब्लू कलर का यहाँ पे एक सर्कल दिया है, जिसमें शायद ये बर्गमोट का जो है एक इमेज है हल्की सी, आप देख सकते हैं। साथ में लिखा हुआ 100% नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज़ किए गए हैं, पैराबन फ्री, स्किन फ्रेंडली, 100 ग्राम की बॉटल है, 150 ml, प्रीमियम परफ्यूम स्प्रे, पार्क एवेन्यू यहाँ पे लोगो दिया हुआ है, नेचुरल कलेक्शन और पार्क एवेन्यू मिस्ट्री ट्रेल बर्गमोट रश। ठीक है, तो ये बॉटल के बारे में जानकारी दी है, मतलब कैसी खुशबू है और ब्रांड का नाम वगैरह सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे छोटी मोटी जानकारी दी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 349 इसका प्राइस है, बट ऑनलाइन प्राइस थोड़ा कम है, मैं आगे वीडियो आपको बताऊँगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, बैच नंबर, ये सब दिया हुआ है, छोटी मोटी जानकारी, रेमंड का लोगो तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके अलावा ढक्कन सिंपल सा प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, काफ़ी सिंपल सा, और गैस डीओ है ये, लिक्विड डीओ नहीं है। तो ये सिंपल सी जानकारी थी इस डीओ के बारे में। अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। ओके गाइस, बॉटल का रिव्यू तो हो गया, अब बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में, कंपनी क्या मेंशन कर रही है। यहाँ मैं कंपनी का जो नोट्स दिया है वो मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं। जो टॉप नोट है वो बर्गमोट का है, साथ में लेवेंडर है और नटमैग है। मिडल नोट पचौली, ड्राई एम्बर और ऑरेंज फ्लावर का है। उसके अलावा जो बेस नोट है वो रिट्रीवर, मस्क और लेदर का है। तो यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, थोड़ा सा ओरिएंटल और थोड़ा सा जिसे कहते हैं फ्रेश और एक्वाटिक नोट्स यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में कि एक्चुअली खुशबू कैसी है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली कंपनी ने दो डियो लॉन्च किए थे, एक स्पाइस ट्रेल, एक मिस्ट्री ट्रेल। तो आपके सामने फिलहाल मैं मिस्ट्री ट्रेल का रिव्यू कर रहा हूँ, स्पाइस ट्रेल का रिव्यू आने वाले दिनों में करेंगे, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब जो डीओ आपके सामने है, स्प्रे करता हूं मैं, गैस डीओ है ये, लिक्विड डीओ नहीं है। जैसे कि हमेशा ही होता है, पार्क एवेन्यू के डीओ हमेशा ही बेहतरीन होते हैं और हमेशा ही आपको एक लग्जरी फ्रेग्रेंस देते हैं। प्रोफेशनल ओकेजन्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है ये। मैंने जब भी किसी को भी अगर राय दी है परफ्यूम के बारे में, या फिर जैसे ऑफिस में लगाने के लिए उनको अगर डीओ चाहिए, तो मैंने हमेशा सबसे पहले रिकमेंड किया है पार्क एवेन्यू की खुशबू, हमेशा से ही बहुत बढ़िया रहती है। ओके, खुशबू स्टार्टिंग में ही जो बर्गमोट की खुशबू है काफ़ी ज़्यादा, मतलब डोमिनेटिंग है, स्पाइसी थोड़ी सी मुझे खुशबू फील हो रही है यहाँ पे, हल्की सी जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी कड़वाहट यहाँ पे मुझे हल्की सी फील हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नटमैग है वो वैसे तो बेस नोट में आता है, मैंने अधिकतर परफ्यूम में देखे हैं, बट यहाँ पे टॉप नोट में आ रहा है,
तो थोड़ी सी जो जैसे कहते हैं ना स्पाइसीनेस और थोड़ी सी वुडीनेस यहाँ मुझे फील हो रही है। लेवेंडर की कड़वा तो ऑब्वियसली यहाँ पे फील हो ही रही है, अब हल्की सी पचौले की मिठास मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, थोड़ी सी विट्रीवर की भी थोड़ी सी स्ट्रांगनेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जब आप खुशबू ओपन करते हो तो आपको एक अच्छा सा खटास वाली खुशबू फील होती है अपने आसपास। ये नोट ये न्यू ऐसा है, इसको अगर आप जैसे बारिश का सीज़न हो गया या फिर थोड़ी सी ठंडक में अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। आसपास वालों को डेफिनेटली फील होता है कि आपने कोई अच्छा डीओ या आपने अच्छे कोई सेंट लगा रखा है। थोड़ी देर बाद जब मुश्किल से एक घंटे बाद आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि जो खुशबू है वो थोड़ी सी मैस्कुलिन होती जा रही है, थोड़ी सी वुडी, थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी मैस्कुलिन ऐसी होती जा रही है। ये खुशबू जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफिस यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, शादी पार्टी यूज़ के लिए बहुत अच्छी है, कॉलेज के लिए भी अच्छी है, जिम के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, जिम के लिए शायद ये खुशबू आपको नहीं लगानी चाहिए क्योंकि खुशबू थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी लग्जरी हो जाती है, ये वैसी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है जो आपको जिम में लगानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये खुशबू ऑफिस यूज़ के लिए बेहतर है, डे में यूज़ करिएगा तो थोड़ा अच्छा मतलब आप फील आती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है जो लॉन्जेविटी है वो आराम से 5 से 6 घंटे तक चल जाएगी अगर आप बंद कमरे में है या फिर आप एसी में काम करते हैं, तो फील्ड में है तो 3 से 4 घंटे तक चल जाएगा। साथ में आप इसको कैरी भी कर सकते हो, बॉडी पे आपको लगाना है। लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको गर्दन के आसपास लगाना है और आर्म पिट्स पे लगाना है, हार्ड स्प्रे करना है, हल्का हल्का सा स्प्रे, रोक रोक के स्प्रे नहीं करना, एक साथ ही खींचना है आपको, ठीक है। उससे खुशबू अच्छे तरीके से रह जाएगी। नहाने के बाद बॉडी को सुखाने के बाद आप डीओ करिएगा, कपड़ों पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा, कपड़ों पे डीओ लगाना बहुत ही गलत बात होती है। अगर आप लिक्विड परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं तो एक अलग बात है, गैस डीओ ऑलवेज बॉडी पे ही लगाना चाहिए, ठीक है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल इसका प्राइस जो ऑनलाइन चल रहा है 196 के आसपास चल रहा है, सेल में प्राइस और भी कम हो सकता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। और भी इसके बारे में कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई और भी परफ्यूम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आज की वीडियो में प्लान इतना ही, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।